बड़े कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, उसकी आप माँ का अपमान करते हैं, मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, क्यों? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना? और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं, जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनके उनको बचाने में लग जाते हैं? मेरे भाई ने क्या कहा, संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, हमें डराएंगे वो गलत सोचते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, आज लोकतंत्र खतरे में है तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे, सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी, उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं, तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा, और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है, मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था, और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं, आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है, आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है।
लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा, संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। हमें डराएंगे वो गलत सोचते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे, हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं, जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं, जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई, और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में, अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है, मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी।